हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं पाक वर्सेस न्यूजीलैंड। पाक की जीत पाकिस्तानियों के लिए एक दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात आ रहा है। ये तो दिल खुश कर दिया लिखकर। तो वर्ल्ड कप 2023 बड़े उछल रहे हैं ना ये, उनको ये नहीं पता तुम्हारी एक दिन की चांदनी है, उसके बाद अंधेरी रात ही रात है। मजा आ गया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दोनों चैनल उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल में आ रहे हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देखिए लोग क्या बनाया। अंधेरी रात देखेंगे। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी और 2 पॉइंट्स पाकिस्तान को अब मिल गए हैं। बहुत ही अहम मैच आज ये कंसीडर किया जा रहा था, और आज किस्मत की देवी भी बड़ी मेहरबान रही है। बारिश की सूरत में क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान जीत गया जी। पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। थोड़ा सा बारिश भी खेलने के लिए आई 2 दफ़ा, लेकिन पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है ये डिजर्व करती है टीम पाकिस्तान। फैजान ने एक बार फिर ज्वाइन किया। मैं फैजान, बताइए पाकिस्तान को डकवर्थ लुईस मेथड के तहत ये 2 पॉइंट्स मिल गए। 2 पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है डकवर्थ लुईस मेथड की बुनियाद पे। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे ऑफिशियल्स ने ऐलान कर दिया कि इस मैच को बाकायदा कॉल ऑफ कर दिया गया। तो कीमती 2 पॉइंट पाकिस्तान ने हासिल किया। थोड़ी देर में कैलकुलेशन भी आ जाएगी, कुछ देर पहले जो आपको शुरू कर रहे थे। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच है वो न्यूजीलैंड श्रीलंका मैच के बाद है। तो इनकेस अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीतता भी है तो पाकिस्तान के जहन में ये होगा कि उसको इंग्लैंड के खिलाफ क्या अचीव करना है मैथमेटिक न्यूजीलैंड से आगे आ जाने के। तो ये कांग्रेचुलेशन भाई, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन आ गया भाई कुदरत का निजाम। हमने जिसे सपोर्ट किया है ना वो कभी हारा नहीं है। हमने आशीर्वाद दिया था पाकिस्तानियों, हमने आशीर्वाद दिया था आप लोगों को कि आज आपने जीतना है। चलो भाई अभी जो है थोड़ा लेवल बराबर हो गया है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान अफगानिस्तान है। अभी पाकिस्तान वाले क्या बोल रहे भाई, आज का मैच न्यूजीलैंड से हम जीत जाए, श्रीलंका वाले पेंटा लगा दे न्यूजीलैंड को, और अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया और जो है साउथ अफ्रीका लगा दे पेंटा। भाई ऐसा मुफ्त में थोड़ी है कि पेंटा लगाएगा, हम भी बैठे हुए हैं भाई। अफगानिस्तान दोनों हार, ये तेरे को हम फ्री में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस सपोर्ट के पीछे बहुत बड़े बड़े डंडे रखे हुए हैं, जरा सबर कर तो। क्या पाकिस्तान ने आज विक्ट्री हासिल की है, लेकिन बॉलर्स की बुरी परफॉर्मेंस को नहीं भूलना मेरे भाई। इस जीत के साथ 2 पॉइंट मिलने के साथ ये नहीं करना कि अपनी बॉलिंग को भूल जाना है, और फखर की बैटिंग को हम जो है ना वो वाह वाह करते रहे कि जी फखर तो बहुत अच्छा खेला, उसने 11 छक्के मारे, उसने बेंगलोर की यादगार इनिंग्स खेली, लेकिन बॉलर्स की बुरी परफॉर्मेंस को नहीं भूलना मेरे भाई। बॉलर्स इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब यार मैं कहता हूँ फखर जमान ने आज ये बता दिया कि आप ट्रेंट बोल्ट का भी घंटा बजा सकते हो, आप टीम साउथी का भी घंटा बजा सकते हो। अच्छा। और आप सबका घंटा बजा सकते हो, पकड़ के बजा दी आज न्यूजीलैंड की। अच्छा यार पाकिस्तान अब सेमीफाइनल में जा सकता है? नहीं, कुदरत का निजाम काम कर गया। नहीं, कुदरत का निजाम आज अब काम कर गया है और पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दहलीज पे ला के छोड़ दिया। छोड़ नहीं देनी चाहिए, फेंक दिया। श्रीलंका हमारी मदद करे, न्यूजीलैंड से जीते ना भी तो कोई ऐसा कर दे काम के न्यूजीलैंड को मसा मर के जिताए। अच्छा। उसके बाद हमने इंग्लैंड को और अनाजान पाकिस्तान सेमीफाइनल में चलाएगा, फिर पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल में देखने को नहीं देखा। मतलब यार मैं बाबर आजम का भी थैंक यू आज बोलूंगा। देखो कप्तानी उसने बहुत बुरी की है बॉलिंग में, बॉलिंग में उसकी कप्तानी जहालियत से भरपूर कप्तानी थी, लेकिन
मतलब जिस तरह की फखर जमान ने बैटिंग की है। ओए तुम्हार अभी वो बंदा बोल के गया उसको बस वही मत देखते रहो, बॉलिंग देखो। जीत गए सर, बढ़िया है, अलग चीज है। लेकिन यार ड्रेसिंग रूम में पॉजिटिविटी तो फैलाना, ड्रेसिंग रूम में ये बोल के इंटेंट करो, अटैक करो जाके। अच्छा ये युद्ध कर रहे हो, आज वो किया और आज उसके बलबूते में पाकिस्तान अपना मैच जीती है, तब मजा आ गया। मैच जीती है बारिश की वजह से, जीते हो पूरा गेम ही नहीं हुई। के साथ हूँ ये जो आज क्रिकेट। अच्छा, आज पाकिस्तान के साथ है, हो गया पाकिस्तान के साथ। एक दिन की चांदनी दिखाई है तेरे को, फिर खुश हो जा इस एक दिन की चांदनी के लिए। ये चलो भाई, अच्छा हुआ न ज्यादा रन रेट किसी को मिला, न ज्यादा जो है नेट रन रेट गिरा। बस भाई सब कुछ जो मैं जो हम चाह रहे थे वही हो गया भाई, सेम टू सेम, लेवल टू लेवल चल रहा है भाई। अच्छा मुझे वो खुश हुआ। अभी बहुत सारे पाकिस्तान के चैनल्स को मैं सुन रहा था, थोड़ा मैं लेट हुआ लाइव आने में, तो पाकिस्तान वालों के जो है वही पुराने बीन बजा रहे हैं भाई। तुम्हारे बीन बजाने से कुछ नहीं होगा, आज तुम लोग जीते हो तो पठान बाबा की वजह से जीते हो, क्योंकि पठान बाबा ने आपको कभी सपोर्ट नहीं दिया था, आज एक झटका सपोर्ट का दिया और आप जीत गए भाई। बारिश आई कुछ भी आई लेकिन सपोर्ट तो हमारा ही था ना। अरे हरामी हो, मानते नहीं हो। तुम्हारे टुक्के नुल्ले प्लेयर से जो है आज हमने जितवा दिया। अच्छा सुनो, अब काम की बात सुनो, पाकिस्तान के जितने भी चैनल हैं, जितनी भी मीडिया है, जितने भी गली क्रिकेट एक्सपर्ट बैठे हुए 5-2 रुपए वाले, तो वो सब ये बोल रहे हैं कि भाई अब अगर न्यूजीलैंड अगला मैच जो है वो श्रीलंका से हार जाए, क्या बात है भाई, भिखारी इतना बड़ा एक्सपर्ट हो गया क्रिकेट का तू, ऐसे बड़े बड़े एनालिसिस बता रहा है भाई है? साले हरामी। न्यूजीलैंड जीतेगा। और फाइनल स्टेज वाली बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंग्लैंड से भी जीत जाए, सबसे लास्ट मैच है जो टीमें जो जाएंगे सेमीफाइनल में। इतने लंबे लंबे प्रिडिक्शन करने लग गए हो सालो, इतने अच्छे प्रिडिक्शन करते तो तुम्हारी हालत आज ये नहीं होती। आज तुम्हें बबुम्बा सड़क से उठा के स्टार नहीं बनाता। एक बंदे की तो हमारी सुनो, अपने ही छोड़ो हमारी सुनो, तुम्हारी वैसे भी कोई नहीं सुनता। ये जीत गए तो अब जो है कल का मैच जो है वो तो भाई वो ऐसा मैच है कि कल हिंदुस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का है, वो खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भाई पागल वागल का बच्चा है क्या तू भाई? पागल के बच्चे हो क्या कंजरो? ये उससे हार जाए, वो उससे हार जाए, अफगानिस्तान इधर बल्लेबाजी हार जाए, श्रीलंका उधर, न्यूजीलैंड उधर हार जाए, तू उधर जीत जाए, तेरे अब्बा की शादी है क्या बे? क्या अम्मा को दूसरा दुल्हन दिला के दे रहा है क्या तू भाई? ये उससे हार जाए, तू जीत जाए, बाकी सब हार जाए, घंटा ले ले तू मेरा भाई। अफगानिस्तान हार जाए, अफगानिस्तान जीतेगी और जरूर जीतेगी भाई। और ये बात इन लोगों को काफी ज्यादा बुरी लगी भाई। बहुत हो गया, आप लोगों को 4-5 घंटे के लिए सपोर्ट किया, ये बहुत हो गया। अब जा हमारे सर पे मत चढ़ो भाई, जहां औकात है वहीं पे रहो। वेल प्लेड भाई, जो है ये फकीर आजम है क्या है यार ये फखर, फखर जमान, सॉरी ये फखर जमान जो है ये अच्छा खेला है, अच्छा प्लेयर है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती थी। गलती क्या भाई, वो पैसों के लिए कुछ यारी दोस्तियां उसको बिठाया हुआ है, वो बंदा खुद बोल रहा है कि भाई मुझे कुछ नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं उसको बवासीर हो गया, वो बंदा खुद ट्वीट करके बोल रहा है भाई मेरे खानदान में किसी को बवासीर नहीं हुआ, मुझे कहां से बवासीर होगा, बेकार में उसको बिठा के मियां खलीफा को खिला रहे थे। अच्छा हुआ वो इंजमामुल हक भी भाग गया, साथ में उसका क्या है नवासा है, पोता है, भतीजा है, वो भी भाग गया। पहला और आखिरी मैच है इनका जो अच्छा खेला, देखा आखिरी इससे ज्यादा आगे नहीं जाने देंगे बिल्कुल। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि वो श्रीलंका से जीते या हारे, अफगानिस्तान बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के आगे। तो भैया अफगानिस्तान इनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, तो अफगानिस्तान को बहुत अच्छा खेलना चाहिए ताकि ये पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल में ना पहुंचे। जो भी करना हो इन्हें करना चाहिए, अफगानिस्तान वाली टीम सुन लो, जो भी करना पड़े करो, जीतो और पाकिस्तान को निकालो यहाँ से। देखिए जब एक बंदे के बल पे जीते हैं दैट इज नॉट टीम एफर्ट, वो ज्यादा देर, और साथ में बारिश भी होगी, पूरी गेम भी नहीं खेली गई, तो वो भी तो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकती। जो बोले भैया एक बंदा बहुत अच्छा खेलता है,
सारे तुम्हारे बॉलर्स अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, तो आई डोंट थिंक कि इनकी गाड़ी चलने वाली है। एक बंदे से गाड़ी नहीं चलती है उसमें, जिसमें टीम एफर्ट हो। बिल्कुल, पूरी टीम अगर अच्छी खेल रही होती है देन ओनली दे आर गोइंग टू विन। तो देखते हैं अभी क्या होता है, बट अभी तो लग रहा है कि चलिए थोड़ा सर्वाइव कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सड़ते पहुंच रहे हैं, 8 गेमों में से 4 जीते हैं 4 हारे हैं, उनके 8 पॉइंट है मेरे ख्याल से, और वो ठीक है, मगर अभी तो काफी रेस बाकी है। और एक जीत के बाद वो ना वो पेड़ की झाड़ क्या होती है, उसकी झाड़ पे जाके बैठ गए हैं, अभी धड़ाम से नीचे गिरेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, कमेंट्स लिखना, मजेदार मजेदार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।